नमस्ते फ्रेंड्स, मैं भूमि। वेलकम टू कैच लाइफ विद भूमि। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से मैंने अपने घर में टी कॉफी स्टेशन बनाया और मुझे वो बहुत ही अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक और कॉमेंट करना मत भूलिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको मेरे नए वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये है मेरा टी कॉफी स्टेशन का वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जब हम टी कॉफी स्टेशन बनाएंगे तो हमें चाहिए एक प्लेस कि कहाँ पे हम उसको बनाएं। तो आप अपने किचन के काउंटर टॉप के किसी भी कॉर्नर में इसे बना सकते हैं या आप यूज कर सकते हैं कुछ इस तरीके की वॉल शेल्फ का। ये मेरे पास वॉल शेल्फ 2 के सेट में थी जो मैंने पहले किचन में लगा रखी थी। बेहद सुंदर लगती हैं, इनमें आइटम्स हैंग भी कर सकते हैं, काफ़ी मजबूत और स्टर्डी हैं और लगने के बाद ये बहुत ही अच्छी लगती हैं। काफ़ी अच्छा वेट ये ले लेती हैं तो इन्हें किचन में लगाना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और लगने के बाद ये बिल्कुल भी हिलती नहीं है तो आप इस पे अच्छा खासा सामान रख सकते हैं। या फिर आप यूज़ कर सकते हैं अनियन पोटैटो रैक का, जो कि मेरे पास भी है। इसे मैंने ब्लैक कलर के स्प्रे पेंट से स्प्रे कर दिया। स्प्रे कलर करना बहुत ही आसान होता है और आइटम को बिल्कुल नया लुक दे देता है। स्टील के आइटम्स हैं तो इस पे वैसे भी कोई और पेंट टिक नहीं पाता है, तो स्प्रे पेंट से देखिए मैंने इसको डबल कोट में कलर कर लिया। कलर होने के बाद बेहद शानदार, बहुत सुंदर लगी। इस तरीके की रैक में भी आप टी कॉफी स्टेशन बना सकते हैं। मैंने चूज करी इस तरीके की अपनी एक वुडन वॉल शेल्फ, जिसको कि मैंने एक रैक के ऊपर प्लेस कर रखा है और रैक पे मैंने लगा रखा है एक वॉलपेपर, जिससे कि बहुत ही एक स्मूथ फिनिश रहती है और यहाँ पे कुछ भी बिछाने की जरूरत नहीं रहती है। अब जो हमें वॉल पे डेकोरेटिव आइटम्स लगाने थे उसके लिए मैंने ली एक ये बहुत ही पुरानी वुडन ट्रे और इसके ऊपर मैंने लगाया इस तरह का एक प्रिंटआउट, जो कि मैंने नेट से सर्च किया था कोटेशंस किचन की, और इसको मैं मार्केट से कलर्ड एक मोटे कागज पे प्रिंटआउट निकालवा लाई और इसकी कॉस्ट केवल मैंने 30 रुपीज दी। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन और सस्ता ऑप्शन है जिससे कि आप जो है डेकोरेट कर सकते हैं। पहले मैंने ट्रे पे किया एक कलर जो कि कुछ मिंट कलर की तरह से था, डार्क ग्रीन कलर में मैंने वाइट कलर मिला दिया और उससे इस तरह से ये ट्रे कलर हो गई और इसके ऊपर मैंने फिर पेस्ट कर दिया यही प्रिंट आउट और बहुत ही अच्छा एक वॉल डेकोर का पीस तैयार हो गया। उसके बाद बहुत सारी सर्विंग प्लेटर्स मेरे पास हैं, जैसे कि मैं इसे सलाद वगैरह सजाने के लिए यूज़ करती हूँ, लेकिन बहुत ही कम, साल में एक बार ही ये यूज़ होती थी, तो इसकी क्योंकि शेप बहुत अच्छी है तो मैंने इसको भी डिसाइड किया वॉल पे डेकोर करने के लिए और इस पे मैंने लिख दिया टी स्टेशन और एक एरो बना दिया। तो इससे ये बहुत ही अच्छा लुक देने लगी और बहुत ही अच्छा सा पीस ये बन गया। तो इसको भी मैंने वॉल पे लगा लिया। इन दोनों ही चीज़ों को वॉल पे लगाने के लिए मैंने यूज़ किए कमांड हुक्स, जिनसे कि आप बगैर नेल लगाए बहुत ही आराम से वॉल पे कुछ भी प्लेस कर सकते हैं। ये वेट के अकॉर्डिंग मिलते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो इस तरह से मैंने इन दोनों वॉल डेकोर आइटम्स को वॉल पे लगा लिया। इसके बाद जो हमारे पास बहुत पुराने टेबल मैट्स हैं, मेरे पास भी हैं, तो उसको मैंने कर दिया कलर। इसको मैंने गोल्डन कलर से कलर कर दिया। काफ़ी पुराना, बड़ा और छोटे इस तरीके के मेरे पास मैट्स हैं। अब देखिए मैंने जो आइटम यूज़ किए उसमें था वेस्ट साइज से ख़रीदा हुआ ये एक डब्बा, मेरे पास बॉक्स था, जिसे मैंने टीज के सैशे जो होते हैं, पैकेट्स होते हैं, उनको रखने के लिए यूज़ किया। मैं बहुत अलग अलग तरीके की टीज का यूज़ करती हूँ, वो सारे मैंने इसी में रख दिए। फिर हमें ज़रूरत पड़ती है कुछ कप्स की, मग्स की, आपके पास भी होंगे बड़े छोटे मग्स। ये आप देखिए मग मैं कल लेकर आई, परचेज नए करे मैंने, कैन यू बिलीव, ये केवल 280 रुपीज़ के मैं लेकर आई। कितने सुंदर हैं, वुडन ट्रे में लगे हुए स्पून के साथ हैं, बहुत ही पसंद आए मुझे और मैंने ये परचेस कर लिए। ये अगर आप लोकल मार्केट में परचेस करेंगे तो आपको इस तरीके के बड़े छोटे मग्स सस्ते मिल जाएंगे। अब देखिए इलेक्ट्रिक कैटल, मेरे पास काफ़ी पुरानी एक इलेक्ट्रिक कैटल है जो कि मेरे डैडी ने मुझे दी थी, उसको मैंने इस तरीके के देखिए सेम टेबल मैट के ऊपर प्लेस कर लिया और इसे कॉर्नर में रख दिया।
अब इलेक्ट्रिक कैटल के बाद छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे रखनी थी इस शेल्फ पे, वो थी टी बॉक्स, शुगर बॉक्स, ये भी मैंने वेस्ट साइड से ख़रीदे थे, कुछ मेरे ड्राई फ्रूट्स के कंटेनर जिनको कि मैं यहीं रखती हूँ वो मैंने अपने टी स्टेशन पे प्लेस किए। इसके अलावा ये एक चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स है, इसके अंदर भी कुछ सैशे टी के सैशेज वगैरह ही रखती हूँ मैं। ये मेरा एक टी बॉक्स, ये भी मैंने यहीं पर प्लेस कर दिया, पहले इसमें मेडिसिन्स रहती थी मेरी। और देखिए कप्स वगैरह मुझे यहाँ पे रखने थे, कप्स प्लेस कर दिए, तो कितनी आसानी से ये मैंने सामान रख दिया। इसमें भी कुछ ड्राई फ्रूट्स ये रहते हैं, खाने की बिस्किट्स वगैरह रहते हैं, ये भी मैंने नज़दीक प्लेस कर दी क्योंकि ये बिल्कुल मैच कर रही है। इसके अलावा देखिए मैंने रखा ये एक छोटा सा बॉक्स, वुडन ढक्कन है, इसमें मैं रखती हूँ बिस्किट्स, अभी ख़त्म हो गए तो मैंने इसे खाली रखा। इसके अलावा टपरवेयर से ख़रीदे हुए ये स्नैक्स के डब्बे भी मैंने नीचे इसी रैक में प्लेस कर दिए। तो देखिए इस तरह से ये तैयार हुआ मेरा टी स्टेशन या कॉफ़ी स्टेशन, बहुत सुंदर लगा। एंट्री करते ही साथ सामने किचन में ये रहता है। वॉल साइंस जो मैंने लगाए बहुत अच्छे लगे और मैं इन्हें दूर से ही आपको दिखा रही हूँ, देखिए बहुत सुंदर ये लग रहे हैं। आप इस तरह से बहुत आसानी से एक टी कॉफ़ी स्टेशन अपने घर में बना सकते हैं, बहुत ही हैंडी, बहुत ही अच्छा सा फंक्शनल ये मुझे लगा। सारे वायर्स वगैरह मैंने कायदे से यहाँ पे प्लेस कर दिए जिनसे कि मेरी इलेक्ट्रिक कैटल चलती रहती है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो, पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के संग। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।